मंडला कलेक्टर डॉक्टर जगदीश चंद जटिया ने आदर्श बालगृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत बाल गृह का संचालन किया जा रहा है। यहाँ 50 बच्चों को रखने की क्षमता है। वर्तमान में 15 बच्चे हैं। बाल गृह में ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो अनाथ हो, सजा याफ्ता हो, भिक्षावृत्ति वाले बच्चे। साथ ही हम पनी कचरा बीनने वाले बच्चों को उनका काम छुड़वाकर स्कूल जाने के उनके माता पिता से बात करके ड्रग्स लेने वाले बच्चे बच्चों को सुधारने के प्रयास करेंगे एवं बालगृह के संचालित कर्मचारियों को व्यवस्था को पुख्ता रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से बालगृह की व्यवस्थाओं से संबंधित सवाल किए। उन्होंने बालगृह एवं साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों को पर्याप्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नियमित स्वास्थ्य परीक्षण संबंधित निर्देश भी दिए। डॉक्टर जटिया ने बच्चों के कमरे में साफ सुथरे बिस्तर, प्रकाश व्यवस्था एवं जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीओ तन्वी हुड्डा ने भी बच्चों से बात कर उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक RRS परिहार, CHMO डॉक्टर सरोते, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रशांत ठाकुर सहित अधिकारी उपस्थित थे। कि बाल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत ये बाल गृह का संचालन किया जा रहा है और यहाँ जो जिला मुख्यालय पे बाल संरक्षण गृह बना है, यहाँ 50 बच्चों को रखने की कैपेसिटी है। 15 बच्चे अभी यहाँ रह रहे हैं और ये वो बच्चे जिनके परिवार में कोई नहीं है या उनके पिताजी कहीं ऐसी जगह है कि वो वहाँ नहीं आ सकते, या कह सकते हैं कि सजा याफ्ता भी है तो उनके बच्चों की देखभाल यहाँ होती है। साथ ही ऐसे बच्चे जो भिक्षावृत्ति में लगे हैं और उनसे भिक्षा कम कराया जाता है, तो उन लोगों को भी यहाँ रखने का प्रावधान है। जो बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं उन बच्चों को भी हम यहाँ रखेंगे। हमने एक प्लान किया हुआ है उनका जो एडिक्शन है उसको दूर करने के लिए समुचित इलाज इत्यादि करा हुआ है। साथ ही पन्नी बीनने वाले बच्चे भी यदि उनका उस काम के छुड़वा के वो स्कूल जो है हमारा प्रयास रहेगा, उनके पेरेंट्स जो स्कूल भेजे, यदि वो स्कूल नहीं भेज रहे तो उनको भी रस्म करा करके हम लाने करके रखने का प्रावधान है। पढ़ाने का रस्म है तो पढ़ाएंगे।